अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। और सबसे पहले मछलियों को खाना डाल देते हैं। ठीक हो गया। और अभी चलते हैं हम बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ अभी टाइम क्या हुआ है। टाइम देखें, अभी टाइम हुआ है 4:45 सुबह के। ठीक है, अभी 4:45 हुए हैं और मोटर चल रही है। मैं एक मिनट मोटर बंद कर लूँ। बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू अभी आपको दिखाती हूँ। अभी पूरी तरह जो है ना दिन नहीं हुआ और हम क्यों जल्दी उठ गए हैं वो भी बताती हूँ। ठीक है, एक बिल्ली ये सो रही है, एक बिल्ली वो ऊपर सो रही है। वो देखें बकरे, माशाल्लाह बकरे भी सो रहे हैं। अच्छा जी, अंदर चलते हैं। और आज इस टाइम मैं उठ गई हूँ क्योंकि हम लोगों ने जाना है अभी मंडी। आज मुझे बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है मंडी जाने का और ईद में थोड़े ही दिन रह गए हैं। आज है यकम जिलहज पाकिस्तान में, सऊदीया में तो एक दिन पहले ही होगी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंडी। इस टाइम थोड़ी ना ठंडक होती है तो धूप नहीं निकली, मौसम वैसे अच्छा है। तो अभी चलते हैं मंडी, मंडी जाके देखते हैं क्या हालात है। मैं तो कभी मंडी नहीं गई ज़िंदगी में, तो वहाँ जाके भी व्लॉग जो है ना बनाऊंगी और देखते हैं किस तरह के जानवर हैं मंडी में। तो मैं आपको दिखाऊं मोतिया कितना प्यारा लगा हुआ है। पूरा खिला हुआ मोतिया, और ये हमारी बिल्ली भी बाहर आ गई है, उठ गई है, इसकी भी गुड मॉर्निंग हो गई। और आज आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो देखें पूरी डॉगी की फौज है। शायद नज़र आ रहे हो, इतने ज़्यादा डॉगी है ना। वाटर बोतल पकड़ते हैं और चाबियां पकड़ लें क्योंकि उस्मान ने जो है ना दरवाजा नहीं खोलना। अल्लाह करे हमें मिल जाए कुर्बानी का जानवर, हम लेके आए। और इस टाइम जो था ना मौसम इतना कि अच्छा था ना, ये आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और ज़रा भी गर्मी नहीं लगी हमें। और जल्दी हम मंडी पहुंच गए थे, कोई 15-20 मिनट की ड्राइव पे ही थी मंडी।
और सबसे पहले तो हमने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ली, क्योंकि फैज़ान और उसके बाबा जो थे ना वो तो रात के जाग रहे थे, मैं तो फिर थोड़ी टाइम के लिए सो गई थी। और फैज़ान ने जो अपने लिए चीज़ें ले ली हैं, क्या लाए हो बोतल खोलो जी मेरी, इसे मैंने क्या कर दिया बाबा, वो परक डेरी में का अपने लिए। यहाँ पे तो ऊंट भी होंगे। बड़ा ही सोना बच्चा है, दिल ही आ गया इसे। डर मुझे बकरों से लगता है, और आई हूँ मैं मंडी बकरे देखने। यार बकरा तो कड्डो आ धोंदा वा अपराउन जिया। फिजान फाइटिंग कर रहे इधर उधर, वो देख वो देख। ये तो लड़ी जा रहे हैं लड़ाके बकरे। अच्छा ये जानवर ना इस तरह के ज़मीन पे ठीक रहते हैं, और मेरे पाँव का और कपड़ों का अशर नशर हो गया मिट्टी से। यहाँ पे जो है ना बकरे पसंद ही नहीं आए, अब दूसरी मंडी जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारी साइड बच्चों की है, बैड़ों की। पांडा टाइप ब्यूटीफुल माशाल्लाह। अब वो कहाँ है जिससे हमने पिछली दफा, और ये जो थी ना ये वैड़ों वाली साइड थी, और इधर इतने इतने बड़े वैड़े थे माशाल्लाह, इतने इतने प्यारे, और लेकिन बहुत ज़्यादा रेट थे इनके, 25-25 लाख, 8-10 लाख का वैड़ा था। और सुबह सुबह का टाइम बेस्ट था, ना यहाँ पे कोई रश था इतना ज़्यादा। हाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, वो तो फिर होनी थी। और दूर दूर जो है ना वो कैमल्स हैं, कैमल के वाली साइड पर हम नहीं गए, हमारी कोशिश थी हमें मिल जाए कोई जानवर। बहुत सोना बच्चा त्या उरले दा, और तेरी फेर हो ये साडा की बनेगा। सारे ही जानवर इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, और कुछ जानवर जो बहुत खूबसूरत थे ना वो बहुत ज़्यादा उनके रेट थे। तो कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा जानवर लें अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए। और फिर हमें ये वाइट वाली जो है गाय वैड़ा पसंद आया, और ये बहुत ज़्यादा इसके रेट ज़्यादा थे।
8 लाख फाइनल था और वो फिर रेट नहीं बन पा रहा था। और बहुत प्यारी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट गायें भी मैंने देखी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बाबा वो किया आपको डर लग रहा था? डर लग रहा था। यहाँ पे पट्टे फुट रहे हैं इनके। बच्चे महंगे बड़े हो गए, नहीं तो बच्चा दे। इतनी गर्मी है और अल्लाह ताला ने ना मौसम बहुत अच्छा कर दिया। ठंडी हवा चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे सबसे अच्छा ये वाइट वाला लगा, बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पसंद आया कोई? नहीं। छोटे हैं? और कितने की बड़े देखने हैं? मुझे तो लग रहा आंधी चल जानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे जानवर बहुत प्यारे हैं। और अभी आंधी आ गई है। अच्छा जी, एकदम जो है ना वो आंधी चल गई है और उनके सारे टेंट उड़ गए। टेंट उड़ गए, जानवरों पे गिर गए। और ये जो लड़का है ना, ये चाय बना रहा है। यहाँ से लोग नाश्ता कर रहे हैं, मंडी के लोग। चाय है इसके पास और बिस्किट है, ब्रेड है। और अब हम जा रहे हैं दूसरी मंडी की तरफ। जो पहली मंडी थी उसका नाम था हनुवाना, और ये जो दूसरी मंडी है इसका नाम है नियमवाना। तो बड़ी मुश्किल से नाम याद किए हैं। ये फैसलाबाद की मंडियों के नाम है। और ये बस आ गई है दूसरी मंडी, और चल के यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है।
ਰੋਟੀ ਕਬ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਮੰਮਾ ਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਵੇ ਬਣਾਏਂਗੇ और यहाँ पे ना ज़्यादातर वाइट बकरे थे शुरू में इतने ज़्यादा माशाल्लाह बकरे थे और ज़्यादातर वाइट थे और वाइट वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे तो सारे बहुत बड़े है ना जिधर मैं 60 लाया सिगा याद आ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਪਾ ਕਾਲਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਬਕਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ और ये वाला बकरा देखें बिल्कुल अलहदा ही बंधा हुआ था और ये ना कोई पहाड़ी बकरे टाइप है ऐसे लग रहा है अभी लड़ेगा जाके लड़ाका बकरा लग रहा है आज ना पहली जिलहज है और ना मौसम भी बहुत अच्छा है और मंडियों में अब रश होना शुरू हो जाना है और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और बड़ा मज़ा आया मुझे मंडी आके ये वाली मंडी जो है ना वो वाली मंडी से थोड़ी साफ सुथरी है इधर थोड़ी ना सड़कें जो है सड़कें कह दिया मैंने सड़कें जो है ना वो कारपेटेड हैं और मंडी जो है ना ऐसे एक साइड पे ये लोगों ने लगाई हुई है अच्छा यहाँ पे ना शेड लगे हुए हैं वो वाली मंडी में टेंट लगे हुए थे और यहाँ पे शेड लगे हुए हैं ज़रा साफ़ सुथरा माहौल बना हुआ इतने इतने महंगे हैं जानवर बड़े बड़े महंगे जानवर हैं छोटे से छोटा जानवर 5 लाख से स्टार्ट हो रहा और ना आज मुझे पता चला है कि जानवर लेना ना बहुत मुश्किल काम है अभी तक तो हमें कोई जानवर नहीं मिला हो सकता है फिर आएंगे दोबारा फिजान तो रात का जाग रहा है और इसने अब जब तक आना नहीं ना जानवर जागते ही रहना कोशिश तो है थी हम बकरा या बेड़ा ले जाते घर कुछ भी नहीं मिला अभी तक और ये वापस आते वक्त और ज़्यादा रश हो गया था और बहुत अच्छे टाइम हम लोग आए थे उस टाइम कोई इतना रश नहीं था यहाँ से गुजरने की जगह नहीं थी ये तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है तो बहुत ज़्यादा रश था और फाइनली हम कुछ लिए बगैर घर वापस आ गए और थके बहुत हुए थे क्योंकि जब सोए नहीं थे ना तो बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी फिजान की भी और उसके बाबा की भी और फाइनली वी रीच्ड होम और जो अभी टाइम हुआ था ना घर हम पहुँचे हैं 7:45 बजे 4:30 बजे हम लोग घर से निकले थे घर आके मैंने अपना बनाया नाश्ता और मैंने बनाया चीज़ ऑमलेट और मज़े से खाया बच्चे तो सो गए थे लेकिन मैंने नाश्ता किया और फिर मैं बाद में सोई थी क्योंकि मैं जो ना रात को सो गई थी और काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया आज का यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ और आजकल के व्लॉग्स में आपको बकरे बैड़े और ऊँट ही मिलेंगे देखने को क्योंकि ईद आने वाली है और यही तैयारियाँ हो रही हैं सब घरों में सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं ईद की और घर आके जो मैंने किया अपना नाश्ता मज़ेदार सा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मैं मिलूँगी अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय